अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 62। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रेड इन्वेजन्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन द प्रीवियस लेसन। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर आजम भी कहा जाता है, सिकंदर आजम की फतूहात के बारे में लेसन मैंने आपको प्रीवियस रीडिंग करवा दी थी। आज हम इससे रिलेटेड देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले के क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो हम पहले वो टॉपिक्स रिलेटेड होम टास्क करेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। हु वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट? व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ हिज इन्वेजन ऑन साउथ एशिया? द क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज हु वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट। फर्स्ट पार्ट है अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था, उसकी अपने इंट्रोडक्शन देना है। और सेकंड पार्ट है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हिज इन्वेजन ऑफ ऑन साउथ एशिया। साउथ एशिया की तरफ जो फतूहात थी उसकी, उसका इफेक्ट क्या था, उसके असरात क्या थे। तो हम इसके दो हिस्से लेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगी मैं टॉपिक में से आपको। टॉपिक की तरफ जाते हैं। पेज 62 पे हमने इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ा था। यहाँ पर आप देख लें, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज अ रूलर ऑफ मैसिडोनिया, अ स्मॉल स्टेट इन एंशियंट ग्रीस। थोड़ा सा हम यहाँ से लिख देंगे ये कहाँ का रूलर था, बादशाह था। ये मैसिडोनिया जो एक यूनान की एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ का ये हुक्मरान था। और पहले हम इतना ही सेंटेंस लिख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना आंसर को, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इतना पार्ट लिखेंगे। उसके बाद हम इसके बाद आ जाएंगे तकरीबन फिफ्थ लाइन में। और यहाँ पर आप लिखेंगे ही बिकेम, बिकेम लिखा हुआ है, बिकेम से पीछे आप ही एच कैपिटल के साथ लिखेंगे। ही बिकेम किंग एट द यंग एज ऑफ 20। वो बादशाह बन गया बहुत ही छोटी उम्र में, कितनी, 20 साल की उम्र में बादशाह बना। विद इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स, और तकरीबन अगले 12 सालों के अंदर, 20 साल की उम्र में बादशाह बना। और उसके बाद जो अगले 12 साल थे उसके, ही कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया मिनोर। आप ये काट दें, टर्की लिख दें सिर्फ, जो रिसेंटली आप जानते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। टर्की, ईरान, इजिप्ट एंड अफगानिस्तान इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तकरीबन बादशाह बनने के 12 सालों के अंदर अंदर उसने बहुत से कदीम जो इलाके थे दुनिया के, उनको फतह किया। उनमें कौन कौन सा शामिल है, टर्की, ईरान, इजिप्ट एंड अफगानिस्तान। ही ऑल्सो इन्वेडेड साउथ एशिया, साउथ एशिया के इलाके पर भी उसने वो हमलावर हुआ। बट कुड नॉट गो बियॉन्ड रिवर ब्याज, लेकिन रिवर ब्याज, दरियाए ब्याज जो है उससे आगे नहीं गया। अब आपने जो ब्रैकेट में ब्याज के लिए लिखा हुआ है वो आंसर में डिटेल नहीं लिखेंगे, लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सो आप ये यहाँ से ब्रैकेट वाला पार्ट काट देंगे। ये कौन सा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जगह है जो रिवर इसको एक दूसरे को टच करता है, रिवर गुजरता है ब्याज भारत से पाकिस्तान की तरफ। तो वो आप एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको ब्रैकेट वाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। बियॉन्ड द रिवर ब्याज बिकॉज हिज आर्मी रिफ्यूज टू गो फर्दर। क्यों नहीं आगे गया था, क्योंकि उसकी आर्मी ने आगे जाने से इनकार कर दिया था। तो साउथ एशिया में रिवर ब्यास तक के जो इलाका है वहां तक का इलाका फतह किया था, यहां लिखेंगे। और अब ये सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, थोड़ा सा हमने लिखा है यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट का। जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि इफेक्ट क्या है साउथ एशिया पर हमला करने का, तो वो लास्ट जो इस टॉपिक की लाइन है, 2, द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इंट्रोड्यूस द पीपल ऑफ साउथ एशिया टू ग्रीक थॉट, नॉलेज एंड आर्ट। इफेक्ट क्या हुआ था कि ये क्योंकि यूनान से यहाँ पर हमलावर हुआ था, ये खुद और इसकी जो आर्मी थी वो यूनान के थे। तो जब वो यहाँ आए और यहाँ उन्होंने फिर अपने जो रियासतें कायम की, तो उसकी वजह से यहाँ के रहने वाले लोग भी, इनके जो यूनानी सोच थी, फिक्र थी, उनका इल्म था और उनका जो फन था, वो सारा कुछ यहाँ के लोगों को भी मिला और उससे यहाँ के लोग भी मुतारफ हुए। सो आपने यहाँ पर ये 2 लाइंस ऐड करनी है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। कितना है, फर्स्ट आपने स्टार्टिंग लाइन लिखनी है 1.5 ग्रीस तक, उसके बाद आप ही बिकेम से स्टार्ट करेंगे और टिल फर्दर तक आप यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स आप इस टॉपिक की लिखेंगे, द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट से आर्ट तक। ठीक है,
जब आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। और यही आज का आपका होम टास्क है, आपने लिखना है और इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मौर्यन एम्पायर है, ये इंशाल्लाह अगले लेसन में करवाऊंगी और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होगा आपका, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।